जस्ट फिनिश हैविंग माई ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बना था मेरा फेवरेट काइंड ऑफ नूडल्स दैट इज आलू एंड थुक्पा. आलू इज पोटेटो एंड थुक्पा मीन्स नूडल्स. आलू दम एंड थुक्पा. नॉर्मली संडेज के दिन मैं और मेरे दोस्त लोग मिलकर हम लोग छोटा सा राइड मारते थे, पर अभी लॉकडाउन की वजह से राइड तो कर नहीं सकते हम. राइड नहीं कर सकते तो क्या हुआ मेरा भाई, हाइक तो कर सकते हैं ना. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेंट अगस्टिन स्कूल का क्लिफ. अभी बस निकलने वाला था मैं, मम्मी बोल रही कि लंच पक चुका है, लंच खा के जाना. पर करीब डेढ़ या दो घंटे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया था आलू थुक्पा, पता है ना. वो हमको भूख नहीं लग रहा है, अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं आसिफ और यूनुस का पहुंचने का. तो अभी हमारा हाइकिंग शुरू हो चुका है, वी आर हेडिंग डाउन हिल अभी. और जो बंदे हमको ज्वाइन कर रहे हैं, ए नौ दीजन अंत आसिफ सुल्तान, एम डी यूनुस, और यहाँ पे तो तुम्हारा भाई है ही, हैंडसम बंदा ग्रुप में. ये जो ग्रेवयार्ड है ना, ये रेली रोड का जो चर्च है, रोमन कैथलिक चर्च, उस वहाँ का है, ठीक है. और वहाँ पे एक और ग्रेवयार्ड है, वो यहाँ का चर्च का है, सेंट फ्रीजस चर्च का. जब हम स्कूल में रहते थे ना, तो इतना शैतानी हम भी करते थे कि पाँच रुपये वगैरह का डेर लगता था, पाँच भी नहीं, दो रुपये पाँच रुपये ऐसे ही डेर वगैरह लगता था. और जो बंदा कवर के ऊपर सो जाता था उसको पाँच रुपये वगैरह मिलता था, ठीक है. तो ये सब होता था हमारा जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे. और ये हमारा लॉन टेनिस कोर्ट एसएस का, पर अभी बास्केटबॉल कोर्ट में तब्दील हो चुका है. तो दिस वाज समवेयर अराउंड 2008 या 9 का, जब मैं क्लास 8 या क्लास 9 में था, और पूरा ये रेनी सीजन का टाइम था. तब ये प्लैंक वगैरह ऐसा नहीं था उस टाइम, ठीक है. तो जब मैं स्कूल आ रहा था, आई वॉज प्रीटी लेट, तो दौड़ते दौड़ते आ रहा था मैं उस टाइम. और यहाँ से भाई साहब जो फिसल के मैं यहाँ पानी में गिरा हूँ ना, उसके बाद तो क्या ही बोले, यूनिफॉर्म से लेकर बुक्स सब गीला हो चुका था. पता है ना आसिफ, गांधी जी गीला हो गया था गैंगटॉक राइड में. उससे भी ज़्यादा गीला हो गया था मैं उस टाइम. अगर आपको ये जोक समझ में नहीं आता है तो आपको मेरा पुराना व्लॉग देखना पड़ेगा, वो था गैंगटॉक का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है, पहले जाके वो देखो. और ये है हमारा स्कूल का डायमंड जुबली हॉल, जब स्कूल का 60 ईयर्स कंप्लीट हुआ था उस टाइम बना था ये. और ये है प्राइमरी सेक्शन का फुटबॉल फील्ड. क्या हुआ एमडी मेरे भाई, नीचे. तो भाई साहब ये क्लिफ का एक बहुत सुनहरा मेमोरी है मेरा. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड बॉय इन स्कूल, ओके. पर कभी कभार होता था कि बदमाशी करने का चुल वगैरह मुझे भी आता था. तो जब हम स्कूल बंक मारते थे, वहाँ पे नहीं, जब हम स्कूल बंक मारते थे तो स्कूल बंक मार के हम लोग यहाँ पे आते थे क्लिफ में. बस कुछ नहीं करते थे, आते थे बैठते थे, हो गया. ऐसा नहीं है कि क्लास टाइम्स में बंक मारता था मैं, पर जब स्कूल में कुछ टूर्नामेंट वगैरह होता था, कि जैसे बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो गया, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो गया, और जब मुझे वो टूर्नामेंट वगैरह देखने का मन नहीं करता था, तो आई यूज्ड टू कम हियर विद माय फ्रेंड्स. तो भाई साहब इतना मज़ा आता था ना उस टाइम स्कूल बंक मारने में. पर अभी यही सब मिस हो रहा है. आप जैसे बड़े होते हो ना, तो ऑल दीज थिंग्स, जो बदमाशी आप किए हो स्कूल में, ये सब मेमोरी बन के बैठ जाएगा. और यू कैन नेवर इवन डिलीट दिस थिंग्स, चाहोगे भी तब भी डिलीट नहीं कर पाओगे ये सबको. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द क्लिफ दैट आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट. हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, सैस क्लिफ कहते हैं इसको. और भाई साहब जो व्यू आता है ना, जो नजारा आता है यहाँ से, बढ़िया धासु, आउट ऑफ द वर्ल्ड, मेजमराइजिंग. यहाँ से पेशोक का, जो पेशोक पहुँचने से पहले पुल आता है टिस्टा बाज़ार से, वो सब दिखता है यहाँ से. यहाँ से मतलब व्यू ना इतना धांसू है ना भाई साहब, क्या ही बताए. तो आसिफ कैसा लगा तुमको सैस क्लिफ, बढ़िया है ना. इस बंदे को मैं बोलता हूँ कि मुझे हिंदी में ब्लॉग करना है, फिर भी बंदा नेपाली ही बोलेगा, ये हिंदी बोलना शुरू नहीं करेगा. हिंदी बोलो, बंदा बोल रहा है कि मेरे सामने उसको अजीब लगता है, अजीब लगता है. जी हाँ, हम लोग पहले से नेपाली में बात करते हैं इसलिए. हाँ
तो मैं भी तो व्लॉग में इंग्लिश में बात करता था मेरे भाई। समटाइम चेंज इज नेसेसरी ब्रो। अभी हमारा कर दिन मो YouTube चैनल खोलते थे दिन मो उस दिन क्या हिंदी में स्टार्ट करोगे सब के लैंग्वेज बोलते थे। तो हमारा जो कर्मा भाई साहब है, कर्मा भाई साहब भी व्लॉगर बन चुके हैं, वो व्लॉगर बन चुके हैं। अगर आपने कर्मा भाई साहब का नहीं देखा है तो देख लियो, ठीक है। ये बंदा पक्का बनाएगा, अगर नहीं भी बनाएगा तो ड्रोन तो खरीदेगा, पक्का खरीदेगा ये बंदा ड्रोन। और ड्रोन खरीद के क्या करेगा पता है, पहले ये टिकटॉक में ये वीडियोस वगैरह डालता था, अब जाके अब इंस्टाग्राम रील बनाएगा ये बंदा। यूट्यूब में हाल्छ ड्रोन को सर्ट त्यहाँदेखि मैले पनि पोज गर्छु के त्यहाँ के भन्छु कपीराइट भने कसले चोड्यो। अभी हम इन लोग को घुमा रहे हैं अपना स्कूल सेंट अगस्टिन स्कूल कैलम्पोंग, क्योंकि ये बंदा कभी नहीं आया था स्कूल, ये बंदा आया था पहले। तो तुम भी आए थे तो काहे घूम रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पे, प्रेजेंट है बस। ये चीज बहुत बढ़िया लगता है ना स्कूल में, ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा बैठे होते हो एक्टिविटी, जब एक्टिविटी दिखाओगे क्लिफ से ऊपर जब आओगे दौड़ोगे यही होता है बाद में आके। हम लोग को देखो यहाँ पे चिल मार रहे, पसीना निकल रहे, पर ये हालत नहीं हम लोग का, है ना भाई। अभी वहां पे देखो क्या हो रखा है, इसीलिए कहते हैं नेपाली में बांदर ज्यादा बैठे भाई ने के चेप्टिन्छ भनेर। यो ब्रो दैट इज फन एन्जॉयमेंट, ऐसा एन्जॉयमेंट क्या भाई जिसके बाद तुम पूरा सुतल पड़ जाओ। सुतल नहीं पड़ते हैं भाई, हम तो मतलब मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हो, देखो सो के आराम से आसमान देख रहे हो, आसमान देख रहे हो, कहां देख रहे हो आसमान, तुम्हारा जो आनंद मिल रहा है ब्रो, बस नेचर के मजे ले रहे हो और क्या चाहिए लाइफ में, बस पहाड़ों में आओ ऐसे और पहाड़ में क्लिफ के ऊपर चढ़ो, है ना, दौड़ो दौड़ो नहीं चढ़ो नहीं ब्रो, दैट इज अ रॉन्ग शब्द, ओके दौड़ो, यू शुड रन, दौड़ो उसके बाद में सुथल पड़ जाओ ऐसे, हां ऐसे पसीना निकालो। अरे वाह, आज का व्लॉग यही था, आशा करता हूँ कि टाइम लैप्स अच्छा लगा। टाइम लैप्स के नाम पे एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, बनता है नहीं बनता है, एक लाइक तो बनता है टाइम लैप्स के नाम पे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज द ब्रदर द व्लॉगर फ्रॉम द हिल्स प्रियम गुरुंग एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चीयर्स टू लाइफ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में, कल का वीडियो वही बोरिंग वाला होने वाला है। चाओ।